हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब चलिए अपने ब्लॉग के लिए डेटाबेस सेटअप करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप समझिए एक बार, ब्लॉग आपका ब्लॉग जो होगा वो होगा क्या। देखिए, हमने यहाँ पे 10 अपने आर्टिकल्स लिस्ट किए थे, ठीक है, सिंपल से। बट अब ये सारी जो चीजें हैं, ये डेटा जो होगा वो हर पेज में हम तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आएगा हमारे बैकएंड से। मतलब हमारे पास कहीं पे सारे डेटा सेव होंगे और ये ब्लॉक ऑटोमेटिकली वहां से डेटा को लोड करेगा। अगर हमको कोई अपडेट भी करना है तो हम यहाँ पे नहीं, अपने बैकएंड में, अपने डेटाबेस में अपडेट करेंगे और ये जो कोड होगा ये ऑटोमेटिकली उस डेटा को वहां से पुल करके आपको शो करेगा, है ना। तो इस तरीके से काम करता है हमारा ब्लॉक। बाद में हम इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। तो इस लेक्चर में चलते हैं, अपना डेटाबेस सेटअप करते हैं और वहां से कुछ डेटा को कॉल करके लाके यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए हमारे पास, हमारे सर्वर में हम चलते हैं और लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माय एडमिन में, ठीक है, एंड इसे बड़ा की कर लेते हैं। अब मैं एक न्यू डेटाबेस बना रहा हूँ और उस डेटाबेस को मैं नाम देता हूँ ब्लॉग किट्स एंड क्रिएट, ठीक है। तो अब मेरे पास एक न्यू डेटाबेस बन गया है और जो भी मेरे टेबल होंगे वो इस टेबल के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर मैं सिंपल एक टेबल बना देता हूँ ब्लॉग, और उसकी फील्ड्स को मैं रखता हूँ मान लीजिए 10 अभी के लिए, ठीक है। तो मेरे पास 10 नंबर ऑफ फील्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। फर्स्ट फील्ड को मैं ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी कर देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट फील्ड जो हमारी होगी वो होगी आईडी। तो यहाँ पे चीजें है, एक बार समझिए कि डेटाबेस में क्या चीज है। आपकी कॉलम का जो नेम होगा, आपके कॉलम का जो नेम होगा वो हम यहाँ लिखते हैं। टाइप, डेटा टाइप क्या होगा वो यहाँ लिखते हैं। उसकी क्या मैक्सिमम लेंथ, पॉसिबल लेंथ होगी वो यहाँ लिखते हैं। उसमें डिफाइंड क्या होना चाहिए डेटा वो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसे छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है और ऐसी सारी चीजें पर सबकी हमको जरूरत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। आईडी, नेक्स्ट हमको चाहिए टाइटल, हमको चाहिए कौन सी डेट पे पोस्ट हुआ था, हमको चाहिए ऑथर, ठीक है, ऑथ, एंड देन हमको चाहिए मान लीजिए मुझे चाहिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मुझे चाहिए फुल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड मुझे चाहिए इमेज। साथ ही में मैं कुछ और फील्ड्स भी ऐड करूंगा जो हम लोग जब पोस्टिंग के लिए स्क्रिप्ट बनाएंगे तो काम आएगा। तो इमेज हो गया, डिस्क्रिप्शन हो चुका है, टैग्स एंड कीवर्ड, एंड कीवर्ड एंड टैग्स ऑलमोस्ट एक ही होता है बट हम इसे दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं चाहे तो। और फाइनली स्टेटस, ओके, एंड मैं कीवर्ड्स को हटा के काम करता हूँ, कैटेगरी बना लेता हूँ, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारा कोड नहीं होगा। ओके, सो अब आते हैं डेटा टाइप्स की ओर। तो आईडी जो रहेगा वो इंटीजर डेटा टाइप रहेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं 255 डाल देता हूँ। सिमिलरली टाइटल जो रहेगा वो रहेगा मेरा वैर कैर, ठीक है। आप टेक्स्ट भी रखना चाहें रख सकते हैं, बट हो सकता है टाइटल में नंबर हो तो मैं बेसिकली वैर कैर रखता हूँ। डेट को मैं डेट फॉर्मेट में रख सकता हूँ बट क्योंकि मैं पीएचपी के थ्रू डेट डायरेक्टली भेज दूंगा तो आई कैन यूज वेर कैर। ऑथर, वेर कैर सिंपल, 255 मेरा स्टैंडर्ड है नंबर, तो आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वेर कैर एंड मैक्सिमम लेंथ मैं इसके लिए दूंगा 500, एंड डिस्क्रिप्शन को मैं वेर कैर से हटा के टेक्स्ट कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेटा रहेगा और मैं इसे 4000 की लेंथ देता हूँ। इमेज को मैं वेर कैर रखता हूँ, क्यों, क्योंकि हम इमेज को डेटाबेस में सेव करने से अच्छा कर सकते हैं यूजिंग बॉल, बट मैं उसे अपने फाइल में सेव करता हूँ ताकि मैं उसे डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकूँ। टैग्स, वेर कैर 255, आप इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं 500, एंड कैटेगरी वेर कैर क्योंकि कैटेगरी नंबर्स में होगी, एंड स्टेटस मैं इंट ही रहने देता हूँ एंड 255, ओके। तो ये है हमारा डेटाबेस।
ठीक है, तो हमारा डेटाबेस बन चुका है किसके लिए, हमारे इस ब्लॉग में यूज करने के लिए। क्लियर है? अब चलिए मैं इस डेटाबेस में कुछ डेटास इंसर्ट कर देते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे? हम इंसर्ट में आते हैं, बाद में हम इसे बैकएंड के थ्रू इंसर्ट करेंगे जब हम बना लेंगे। इस आईडी कॉलम को हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट किया था, तो इस और आईडी कॉलम में हम कुछ नहीं लिखेंगे। टाइटल में लिखते हैं दिस इज अ ट्यूटोरियल फ्रॉम लॉजिक ट्यूट्स। एंड मान लीजिए कि मैं यहाँ पे डेट में, चलिए अभी कुछ नहीं लिखता हूँ, भार्गव सब्सक्रिप्शन लर्न लॉजिक मैं इसे सेवरल टाइम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ स्पीड अप करने के लिए। इमेज का जो यूआरएल है, मैं अभी वो यूआरएल यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, टैग्स, तो इस पूरे सीरीज में जो कि 10-12 लेक्चर्स का सीरीज है, हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी अभी नन एंड स्टेटस वन गो। तो अगर आप ब्राउज में हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब एक रो है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने ब्लॉक के अंदर, उस पर्टिकुलर रो को कॉल करते हैं। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ हमारे पास आईडीज बढ़ते जाएंगे, हमको ऐसा करना है कि ब्लॉक में ऑटोमेटिकली वो चीजें ऐड होती जाए। क्लियर है? तो अब अपने चलते हैं कोडिंग की तरफ, और कोड करना है। ठीक है, तो ब्लॉक डॉट पीएचपी ये हमारा प्लगइन के अंदर फोल्डर है। मैं एक बार इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं एक इंक्लूड फाइल इंक्लूड करूंगा जो अभी हद तक हमने बनाया नहीं है, बट फर्दर हमें वो काम आएगा। इंक्लूड वंस एंड यहाँ पे मैं अपने फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ। सो मैं उसे एक डेटाबेस फोल्डर के अंदर रखूंगा एंड डीबी सेटअप डॉट पीएचपी से उसे कॉल करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने फाइल को कॉल कर लिया जो कि हम बनाने वाले हैं। सो इसके अंदर चलते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम होगा डीबी, एंड डीबी के अंदर चलिए और एक न्यू फाइल बनाते हैं पीएचपी। एंड हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी आती है, राइट? तो फटाक से चलिए एक डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं, और हमारा फाइल का नाम था डीबी सेटअप डॉट पीएचपी। ठीक है, तो अब हमें फटाक से एक डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं होस्ट। होस्ट हमारे पास अभी है लोकल होस्ट, आप अगर अपने सर्वर पे कर रहे हो तो वहां पे टेस्ट कर सकते हैं। यूजर जो कि लोकल होस्ट के लिए होता है रूट, एंड पास लोकल होस्ट में कोई पासवर्ड नहीं होता, तो उसको वैसे ही रीड कर लेते हैं। डेटाबेस जो है वो है हमारे पास क्या, ब्लॉक ट्यूट और ब्लॉक ट्यूट्स। ओके, एंड ठीक है, बस इतना ही। अब हमें जो कमांड डालना है वो है इफ, हम चेक कर रहे हैं कि अगर MySQL कनेक्ट हुआ हो तो MySQL डॉलर होस्ट कॉमा डॉलर यूजर कॉमा डॉलर पास। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारे इन सारे वेरिएबल्स को लिख करके पास करके यहाँ डाल देगा। अब क्या करेंगे हम, अगर हमारा MySQL कनेक्ट हुआ है तो इफ MySQL सेलेक्ट डीबी। ठीक है, तो अगर MySQL सेलेक्ट कर रहा है डीबी को, तो अब हम क्या करेंगे कि हम अगर कनेक्ट कर रहा है तो हम अब डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस, तो अगर डेटाबेस सेलेक्टेड है तो इको करो, क्या इको करे कि
डेटाबेस सेलेक्टेड सक्सेसफुली। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता है, तो इको करो डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। फाइन, अब अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, हो चुका है। ठीक है, तो हमारा कोड जो है वो राइट है। अब नेक्स्ट चलिए, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस ब्लॉक को के अंदर पे, इस ब्लॉक के अंदर पे अपने उस डेटास को दिखाने है। ठीक है, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो डेटास को यहीं कॉल करता हूँ, तो फर्स्ट मैं डेटा को यहीं कॉल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस ब्लॉक के सबसे ऊपर चलते हैं, PHP ओपन कीजिए एंड यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। क्वेरी जो होगी मेरी वो होगी सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, ये MySQL क्वेरी है। ठीक है, तो MySQL के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको ये क्वेरी पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप अपने डेटाबेस में जाइए, SQL में जाइए, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स दबाइए और ये जो कोड है यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वेयर वन डिफाइन करता है कि कोई एट्रीब्यूट या कोई क्लॉज जिसके थ्रू हम, कोई की जिसके रिस्पेक्ट पे हम अपने डेटास को सर्च करें। ठीक है, अब उसकी जगह मैं ऐड करना चाहता हूँ ऑर्डर बाय आईडी डिक्रीजिंग। तो ये बता रहा है कि हमारा जो डेटाबेस से डेटा लिया जाए वो आईडी, हमारा जो ये आईडी कॉलम है इसके रिस्पेक्ट में लिया जाए, बट जो ऑर्डर होना चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इफ डॉलर रिजल्ट इज इक्वल्स टू MySQL क्वेरी एंड क्वेरी के अंदर हम डालते हैं क्वेरी, अगर ये MySQL क्वेरी रन होता है तो उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो हमारे इस रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एरे बना लेता हूँ तो ये इजी रहेगा कि मैं अपने डेटास को कहाँ सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ से डेटा क्या होता है मिलता है मुझे, तो जो भी कोड होगा उसके यहाँ पे अंदर होगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं एक एरर पास करा दूंगा अनेबल टू फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, इसे रिफ्रेश करके देखिए, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हमारे स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ी होती तो हमारे पास ये एरर आता। ठीक है, तो इसी तरह होता है वेबसाइट्स में। अब कोड को ठीक कर लेते हैं और हमने DB सेटअप के अंदर, क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है वो सेटअप हो रहा है, हम इन दोनों फाइल्स को यहाँ से हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ब्लॉग एज इट इज दिख रहा है, क्लियर। अब चलते हैं अपने ब्लॉग के अंदर, अब इन दोनों चीजों का हमें कोई काम नहीं। ठीक है, तो इफ रिजल्ट MySQL क्वेरी क्वेरी, हम क्या करेंगे, हम वाइल लूप लगाएंगे कि जब तक ये क्वेरी रन हो। ठीक है, जब ये क्वेरी रन हुआ, इसका रिजल्ट हमें मिला, तो इसमें जितने भी रोज हैं जब तक वो सारे रोज काउंट नहीं हो जाते तब तक उनके जो डेटाज हैं वो एक एक करके क्या हो, मेरे डेटा एरे के अंदर आते रहे। तो ये लॉजिक है, क्लियर है। तो सिंपली रो इक्वल्स टू सॉरी MySQL फेच असक डॉलर रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि वन बाय वन इस रिजल्ट के जितने रोज होंगे उसे रीड करेगा और इस रो में डालता जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली मैं समझने के लिए ये कर सकता हूँ कि डॉलर डेटा इक्वल्स टू डॉलर रो।
ठीक है, अगर आप इस डेटा को अभी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कैसे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इको प्री, ये प्री हम यूज करते हैं ताकि जो हमारे पास एरे आए ये डेटा का, ठीक है, तो ये डेटा में जो हमारे पास एरे आएगा वो प्री में एरेज को फॉर्मेटेड अच्छे से दिखाता है। अगर आप प्री नहीं लगाएंगे तो वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में दिखाएगा और वो बहुत मैशी हो जाएगा, इसलिए हम प्री यूज करते हैं। प्रिंट आर और इसके अंदर लिखते हैं डेटा, एंटर, एंड से सेव करके रिफ्रेश कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि इस एरे, डेटा एरे के अंदर जो जीरोथ नंबर का जो इंडेक्स है उसके अंदर एक डेटा आ चुका है, ठीक है। ये वही डेटा है जो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे लिखा है। तो अब इस डेटा को हमें इस फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो अब मेरी ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो फॉर लूप की, अब मैं इसे डायरेक्टली चेंज करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैंने डेटा एरे क्यों यूज किया, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो आई है लेस देन 10, अब इसे मैं कर देता हूँ काउंट डेटा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो स्क्रिप्ट थी ये 10 बार चल रही थी, बट अब ये स्क्रिप्ट जितना काउंट है डेटा का, डेटा अभी डेटा में सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, तो वो उसे काउंट करेगा और उतने बार स्क्रिप्ट को चलाएगा। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास सिर्फ एक ब्लॉक एलिमेंट है। हम इसे कमेंट कर देते हैं या बाद में टेस्टिंग के लिए रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक ब्लॉक एलिमेंट है और मुझे अब क्या करना है, इन ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनके अंदर वो चीजें जो इस ब्लॉक में है, इस डेटा के एलिमेंट में है, वो शो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे इमेज। इमेज का सोर्स हमें मिलता है कहाँ से, अपने डेटा के अंदर इस पर्टिकुलर इमेज के आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पीएचपी इनिशिएट करेंगे और क्लोज कर देंगे, साथ में अंदर लिखेंगे इको डेटा और इस स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे इमेज एस, बस और कुछ नहीं, और सिर्फ टर्मिनेट कर दीजिए, कॉपी कीजिए। अब आते हैं टाइटल में, तो टाइटल हमें कहाँ मिल रहा है, टाइटल से। एंड सिमिलरली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मुझे कहाँ से मिलेगा, s_disk से। एंड फिर से चेंज कर कॉपी कीजिए और एड्रेस के बीच में लगीजिए, किसमें, ऑथर में। और हमारे पास कोई डिस्प्ले है नहीं, चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, अनडिफाइंड इंडेक्स टाइटल इन सी ब्लॉक लाइन 32। ओके, सो टाइटल है एंड ओके 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 फाइन। यहाँ पे हमको अपने डेटा का इंडेक्स भी डालना होगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने फॉर लूप यूज किया, डेटा के अंदर बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, है ना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आई एंड अगेन डॉलर आई रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं कि अब ये जो डेटा है ये डायरेक्टली मेरे डेटाबेस से लोड हो रहा है। तो आप चाहें तो एक और डेटा डाल के देख लीजिए, दिस इज माय सेकंड पोस्ट टू दिस ब्लॉग, फाइन। एंड एक और इमेज लेते हैं, लेट्स से ठीक है, डेट में कुछ नहीं, ऑथर में माय स्टड्स लाइक स्टूडेंट्स वट एवर, ठीक है। वी आर टेस्टिंग दिस ब्लॉग अगेन, डिस्क्रिप्शन नो प्रॉब्लम, ठीक है। इमेज img स्लैश
44.jpg tags blog कैटेगरी जो था वो था 0 अभी के लिए एंड स्टेटस 1 गो। ओके अब आप रिफ्रेश कीजिए, देखिए आपका दूसरा ब्लॉकर जो पोस्ट है वो अब इस जगह पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी चीजें करेंगे। अभी हमको एक और चीज करना है कि लिंक करके दूसरे पेज में जाना है और वहां डेटा दिखाना है, तो हम नेक्स्ट हमारे ट्यूटोरियल में वही करने वाले हैं। क्या कि ब्लॉग का पोस्टिंग पेज बनाएंगे जिसमें हमको पूरा पोस्ट पढ़ने मिले। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आइए, आगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉग सेटअप में। थैंक यू।